व्हाट्सअप पीपल, कैसे हो, कैम छो, मजा माँ। आई एम दीपिंग रेज एंड वेलकम बैक टू अपन का यूट्यूब चैनल डीएच फिल्म। तो फ्रेंड, आज हम देखने वाले कि नॉर्मल बाइकों में जैसे कि 100, 110, 125, 150 सीसीओ में आप कैसे घर पर एवरेज सेट कर सकते हो। तो क्या आपको भी एवरेज सेट करनी है लेकिन सेट करना आता नहीं है, तो हम है ना, हम आपको सीखेंगे कैसे एवरेज सेट करते हैं। तो मिलते हैं नीचे बाइक पर। तो जैसे कि फ्रेंड, आज हम होंडा ड्रीम युगा 110 सीसी के एवरेज कैसे सेट करते हैं वो आपको मैं बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। तो जैसे कि ये बाइक का स्पार्क प्लग है, तो इसे हम निकालेंगे स्पार्क प्लग को। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये काला हो चुका है, तो इसे हमें क्या करना है, इसे अच्छी तरीके से साफ़ करना है। इसे आप पेट्रोल या केरोसिन से साफ़ कर सकते हो। तो मैं इसे साफ़ करके आपके बाद में दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैंने स्पार्क प्लग साफ़ कर लिया अच्छी तरह से, तो अब हम इसे फिर से हेड के अंदर लगा देंगे। तो ऐसे इसे हमने पूरी तरह से टाइट कर दिया, अब ये लगा देंगे। तो ये लग चुका है, अब उस तरफ चलते हैं। तो जैसे कि हमने ये पार्ट इसका रिमूव करके रख देंगे। रिमूव करने के बाद आपको ये दिखेगा, यहाँ ये है कार्बोरेटर, जो बाइक का मेन पार्ट बोलते हैं इसे कार्बोरेटर, और ये है चौक पेट्रोल का, ठीक है। तो इसके मैं ज़रा ऊपर कर दूंगा। यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे दो स्क्रू है। ये पेरा है एयर मिक्सर, यहाँ पे आपके पेट्रोल के साथ एयर भी मिक्स होती है, इसे एयर मिक्स बोलते हैं, बराबर। और ये है आरपीएम स्क्रू, इसे बढ़ाने से क्या कि आपकी गाड़ी का जो आवाज़ है वो ज़्यादा आएगा आप, ठीक है। तो हम एवरेज सेट करने के लिए करके ये बोल ये स्क्रू को पहले से हम पूरा टाइट कर देंगे क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज टाइट करेंगे। तो इसे टाइट कर धीरे धीरे टाइट करना है, इसके ज़्यादा वजन आपको देना नहीं है। तो हम इसे पहले टाइट करते हैं। तो हमने पूरी तरह से इसे टाइट कर दिया है। इसे आपको पूरा दबाव नहीं देना, वरना ये इसके अंदर नीडल आती है वो टूट सकती है, ठीक है। तो हमने पूरी तरह से टाइट कर लिया है, तो अब गाड़ी हम स्टार्ट करेंगे। अभी आप देख सकते हो कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो इससे क्या करना है, आपको आरपीएम थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो हम पहले गाड़ी स्टार्ट करते हैं। अब हम ये एयर मिक्सर को धीरे से, अब हमें इसे एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा रिमूव करेंगे। तो हमने किया क्या, इसे रिमूव एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से कि ये पूरी गाड़ी जो हाई स्पीड होती उसमें आ गई थी, पूरा आवाज़ करने लगी थी। तो आवाज़ करने के बाद आपको जो ये आरपीएम है इसे थोड़ा थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज इसे भी घुमाना है। इससे क्या होगा कि आपका जो गाड़ी का आवाज़ धीरे धीरे कम हो जाएगा, और जहाँ पर गाड़ी बन हो बैलेंस हो उस तरह से आपको इसे रख देना है, छोड़ देना है। अभी भी हमारी थोड़ी गाड़ी आवाज़ कर रही है, तो हम इसे और थोड़ा डाउन करेंगे। अब आप देख सकते हो एक दी कंप्लीट हो चुकी है, अपनी एवरेज सेट हो चुकी है। तो जैसे कि हमने इस होंडा की गाड़ी में एवरेज सेट कर दी है, ऐसे आप हीरो की कोई भी गाड़ी में सेट कर सकते हो। तो ऐसे ही नई वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हुए, आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब बटन और साथ में नोटिफिकेशन बेल को
दबा दीजिए ताकि नई वीडियो पर आपको पता चल जाए। तब तक जय हिंद।